गुड मॉर्निंग एवरीवन, लेट्स वी कंटिन्यू विद द फर्स्ट चैप्टर ओनली, ज्योग्राफी, द प्लैनेट अर्थ एंड द सोलर सिस्टम. इन अवर प्रीवियस क्लासेस वी हैव डन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड टुडे वी कंटिन्यू विद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेंशन डेट, देन क्लास वर्क, देन लेसन वन एंड चैप्टर नेम द प्लैनेट अर्थ एंड द सोलर सिस्टम. देन यू राइट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन विद इन दीज हेडिंग्स यू राइट विथ ब्लैक पेन. ओके स्टूडेंट्स, सारी हेडिंग्स को आपको ब्लैक पेन से लिखनी है और स्केल से लाइन्स बिल्कुल क्लियर साफ मार्क करनी. ओके, डोंट यूज रफ नहीं करना है बिल्कुल. क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई इज द अर्थ कॉल्ड ए यूनिक प्लैनेट. आंसर, अर्थ इज कॉल्ड ए यूनिक प्लैनेट बिकॉज ऑफ मेनी रीजन. डू यू नो ऑल, इन अवर प्रीवियस क्लासेस वी एक्सप्लेन यू why we call earth is unique planet. You write this answer with point twice. Okay, first point, it is the only planet which supports life. Do you know all, our earth is unique planet because it support life. It is the only planet where the life exists. In our solar system there is no other planets where life exist. Okay, next point, it is neither too far nor too close from the sun as it receive optimum amount of heat for life to flourish. Receive ki spelling dekh lijiye, receives, receives. Okay, optimum, optimum, optimum. Amount, 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 flourish, flourish. स्पेलिंग पे बहुत ध्यान दीजिएगा बच्चों, ठीक है, बहुत ही साफ साफ. और एक बात, वन थिंग मोर, लिसन वेरी केयरफुली. जब भी आप कोई न्यू वर्क करते हैं तो आप उसको न्यू पेज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है. उसी के नीचे आप लोग पूछ रहे मैम स्पेस है, कर लू मैम स्पेस, क्यों पूछते हैं बच्चों बार बार. जब मैंने आपको बता दिया न्यू हेडिंग, हम न्यू पेज से स्टार्ट करेंगे. ओके, then third question, third heading, it has the elixir, elixir, okay, of life which is water. Fourth point, it has a atmosphere, 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 which act as a blanket and protect us from harmful ultraviolet rays of the sun. मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था ये कि सन की जो डायरेक्ट किरणें आती हैं वो पृथ्वी पे ना पड़ सकें, इसलिए कई लेयर्स हैं जो हमें ब्लैंकेट के तरह हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है, जिससे हार्मफुल रेज हमारे अर्थ में डायरेक्ट इंटर ना कर सके. ओके बच्चों, वेन यू फिनिश one question, then you leave one line like this, you see. Okay, you write second question with black pen, which is the natural satellite of earth, why do we see only one side of the moon. Moon is the natural satellite of the earth. Then students, one thing, आप लोग एक बात सुनिए बच्चों, जब भी दो क्वेश्चन एक क्वेश्चन में मर्ज होता है तो हम एक क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद एक पैराग्राफ की तरह एक पैराग्राफ चेंज करके, लाइन चेंज करके दूसरा आंसर स्टार्ट करते हैं. ये बात आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए, ठीक है, बार बार बताने वाली बातें नहीं है. जैसे विच इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, वाई डू वी सी अर्थ. ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश हुआ, ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन फिनिश हुआ. देन वी राइट सेकेंड क्वेश्चन आंसर, देन वी राइट पैराग्राफ चेंज. ओके, द मून कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ इन 29.53 डेज. इट टेक्स द सेम टाइम टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस. हेंस we can see only one side of the moon, the other side is turned away from us. Do you know all, this is our earth and moon
revolve around the earth and we see only one faces of the earth. हम सिर्फ एक ही साइड अर्थ का देख सकते हैं. आप देखते हैं ना, ऐसे ये अर्थ है, ये पृथ्वी का चक्कर लगा रहा, हम सिर्फ इसका एक टाइम में एक ही साइड देख सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, यू राइट दिस क्वेश्चन वेरी नीट एंड क्लीन, वेरी न्यू पेज. ओके, दैट्स ऑल. थैंक यू स्टूडेंट्स.